हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। सो वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ लूसेंट जीके, और लूसेंट जीके में हमने लास्ट वीडियो करी थी वो महाजनपदों पे की थी, और इस वीडियो में हम करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। जैन धर्म के संस्थापक है वर्धमान महावीर। उनका जन्म हुआ था बिहार में स्थित वैशाली में, ठीक है। उनके पिता का नाम था राजा सिद्धार्थ और उनकी माता का नाम था रानी त्रिशला। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर ऐसे मानव हैं जिन्होंने अनंत जन्म और मृत्यु के चक्र को समाप्त करने में सफलता पा ली है और जो दूसरों के लिए एक मार्गदर्शन बन गए हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। देखिए, ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे जिन्होंने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और महावीर 24वें तीर्थंकर थे। जैन शब्द बना है जिनसे, शब्द जिसका अर्थ है जीतने वाला, अर्थात जिसने अपना मन जीत लिया हो। महावीर ने अपना पहला धर्मोपदेश राजगृह स्थित विपुल पर्वत पर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी मृत्यु से पहले जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे, और श्वेतंबर और दिगंबर जैन धर्म के दो मुख्य संप्रदाय हैं। श्वेतंबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत यानी सफ़ेद और अंबर यानी कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्र धारण कर नहीं करते, दिग यानी आकाश और अंबर यानी कपड़े, ठीक है। बात करते हैं इनके कंपैरिजन की बुद्ध की और महावीर की। देखो, जन्म स्थान बुद्ध का है लुम्बिनी, महावीर का है वैशाली। जन्म का वर्ष उनका है 567 ईसा पूर्व, इनका है 599 ईसा पूर्व। वास्तविक नाम इनका सिद्धार्थ, इनका वर्धमान। उपदेश ग्रंथ हैं इनका नाम है त्रिपिटकायें और महावीर के 14 पूर्व। पिता का नाम सुद्धोधन, इनका है सिद्धार्थ। पत्नी का नाम यशोधरा, इनका है यशोदा। निर्वाण का स्थान कुशीनगर और गोरखपुर, और इनका है राजगीर और बिहार। सो ये इम्पोर्टेंट थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी बुद्ध और महावीर के बारे में। सो अब डिस्कस करते हैं जैन धर्म को लेकर दोबारा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर संस्थापक ऋषभदेव, मैंने आपको बताया भी, और इनका प्रतीक है सांड। ऋषभदेव परसनाथ काशी के ईशावक वंश के राजा अश्वशेषन का पुत्र था। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, प्रतीक है शंख। और 23वें तीर्थंकर पुरुषनाथ पर, इनका प्रतीक है सांप। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक था सिंह। जैन धर्म के दूसरा तीर्थंकर अजीतनाथ, उनका प्रतीक था हाथी। महावीर का जन्म 540 BC में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में बिहार में हुआ था। महावीर का पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। महावीर की माता त्रिशला लाछवी गणराज्य की प्रमुख पुत्री थी। महावीर की पत्नी यशोदा, महावीर की पुत्री अनोजा प्रियदर्शना। महावीर का प्रथम अनुयायी उसका दामाद जलामी था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग कर दिया था इन्होंने। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में। महावीर ने अपना उपदेश प्रकृति भाषा में अर्ध मगधी भाषा में दिया था, और महावीर अपने शिष्यों को 11 गणराज्यों में विभाजित किया गया था। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र 322 में हुई BC में स्थूल भद्र के अध्यक्षता में हुआ था, तथा शासक चंद्रगुप्त मौर्य और इसी सभा में जैन धर्म के दो भागों में विभाजित किया गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनता था, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहता था। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूल भद्र दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रवाहु दक्षिणी थे, और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर्शन से ग्रहण किया था। दूसरी जैन संगति बल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश ददीवाहन की पुत्री चंपा थी। जैन धर्म के तीन रत्न कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रत का पालन अनिवार्य था। क्या क्या थे वो महाव्रत? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अप्रग्रह और ब्रह्मचार्य। देखिए, जिस स्थान पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी वो था पावापुरी राजगीर
468 ईसवी में मूल राजा सृष्टिपाल के राजा प्रसाद में स्वामी महावीर का निर्वाण मृत्यु हुआ था। जैन साहित्य का को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? भाद्रबाहु ने। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्याग के बाद। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था चंपा नगरी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया था? प्रकृति व अर्धमगधी। जैन धर्म ने पूर्ण ज्ञान को कैवल्य और कलिंग राजा खारवेल तथा आजाद शत्रु का पुत्र उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। जैनियों के द्वारा शरीरों को भूखा रखकर प्राण त्यागने की विधि को कहते थे सल्ले खाना कहलाता था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। जैन धर्म के तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्र में किया गया है। कल्प सूत्र की रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। और महावीर ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया है, ठीक है। जैन धर्म में 5 महावर्त भिक्षुओं के लिए अनिवार्य थे, क्या थे? अहिंसा, सत्यवचन, आस्तेय, अपिग्रह और ब्रह्मचार्य। जैन धर्म में ईश्वर में मान्यता नहीं है। महावीर पूर्व जन्म और एम क्रमवाद में विश्वास करते थे। और जैन धर्म मानने वाला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, अमोद वर्ष, आजाद शत्रु के पुत्र उदयन, ये सारे राजा जैन धर्म को फॉलो करते थे। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। जैन धर्म में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और अरिष्टनेमी के भगवान श्री कृष्ण के निकट का संबंधी माना जाता है। देखिए, अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है वो करी है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैन धर्म से। अब कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। सो जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहा जाता है? जैन धर्म में धर्म के संस्थापकों या पर्वतों को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर पर्वतक कौन थे? महावीर। जैन धर्म में नी ग्रंथ किसे कहा जाता है? जैन महात्माओं को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या के सूर्यवंश में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था और किनके पुत्र थे ये? काशी में हुआ था, राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के पुत्र सिद्धांतों की स्थापना किसने की थी? तो पार्श्वनाथ ने की थी। पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे? तो प्रमुख सिद्धांत 4 थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपिग्रह। अस्तेय का होता है चोरी नहीं करना और अपिग्रह होता है संपत्ति का त्याग। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में बिहार के वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर के माता पिता का नाम था, महावीर के माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर किस वर्ण जाति के थे? तो क्षत्रिय और ज्ञात्रक थे। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर का विवाह किसके साथ हुआ था? यशोदा के साथ। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। महावीर की पुत्री की शादी किसके साथ हुई थी? जमाली के साथ। कितने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था? संपूर्ण ज्ञान, वो हुआ था 12 वर्ष के बाद। किस स्थान पर महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो जुम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान महावीर को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। कितने वर्ष की अवस्था में भगवान महावीर को कैवल्य प्राप्त हुई? तो 42 वर्ष की उम्र में। जैन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और इसका अर्थ क्या है? तो जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से हुई है जिसका अर्थ है अपनी इंद्रियों या नियंत्रण पर आध्यात्मिक विजय प्राप्त की हो, अर्थात भगवान महावीर को जिन कहा गया है और उनके अनुयायी को जैन कहा गया है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान महावीर और किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो अर्हत, पूज्यनीय, केवलीन, सर्वज्ञ, निग्रंथ, बंधन रहित। जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांत थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपिग्रह मतलब संपत्ति का त्याग और 5th ब्रह्मचार्य। तो प्रथम 4 सिद्धांतों की स्थापना पार्श्वनाथ द्वारा हुई थी और 5वें सिद्धांत ब्रह्मचार्य के महावीर ने जोड़ा था। जैन धर्म में सबसे अधिक महत्व किस सिद्धांत को दिया गया? अहिंसा को। महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 468 पूर्व में नालंदा के जिले पावापुरी में हुई। जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। वस्त्र धारण करने के संबंध में महावीर का क्या विचार थे? पार्श्वनाथ वस्त्र धारण के समर्थक में थे, किंतु महावीर वस्त्र त्याग पूर्ण के रूप में नंगन रहने की बात करते थे।
श्वेतांबर एवं दिगंबर में क्या अंतर थे? श्वेतांबर संप्रदाय के समर्थक थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, किंतु दिगंबर संप्रदाय के समर्थक नंगन रहते थे। जैन धर्म में युद्ध एवं कृषि दोनों वर्जित है, क्यों? क्योंकि दोनों में जीवों की हत्या होती है। जैन धर्म किसानों एवं सैनिकों के बीच लोकप्रिय क्यों नहीं हो सका? क्योंकि जैन धर्म अहिंसा पर काफी बल देता है। जैन धर्म आम आदमी को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर सका? क्योंकि जैन धर्म आचरण और नियमों को बहुत कठोर थे। जैन धर्म मुख्य रूप से किस वर्ग के अधिक मान्य हुआ? तो व्यापारी वर्ग में। महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली में दिया था। तथा दक्षिण जैनों के मतभेदों को दूर करने के लिए किस स्थान पर एक प्रसिद्ध का आयोजन किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। इसे जैन धर्म की प्रथम संगीति की संज्ञा दी जाती है। ये 1890 ईस्वी पूर्व में हुई और इसमें जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर दो संप्रदायों को विभक्त हो गया। इस प्रकार तब से दक्षिणी जैन दिगंबर तथा मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रचार को श्रेय किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। कलिंग मीन्स उड़ीसा में जैन धर्म के प्रचार का श्रेय किसे कहा जाता है? तो कलिंग नरेश खारवेल को। जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अर्धमाध्यमी भाषा में। जैनियों ने धर्मोपदेश के लिए किस भाषा को अपनाया है? तो प्राकृत भाषा को। जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हमने सारी डिस्कस कर ली है। आई होप सो आपको समझ में आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।